हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गांव से, क्योंकि हम कल ही गाँव में आ गए थे नानी के घर अपने। और देख ही रहे हो पीछे वाली, क्या सेक्सी व्यू आ रहा है भाई साहब। सुबह सुबह उठ के मैंने सोचा ऊपर थोड़ा वॉक कर लेती हूँ एंड अब चाय नाश्ता करेंगे। और ये देखो भाई, मौसम तो सेक्सी आ रहा है। सुबह के आते हैं 6 बज रहे हैं, यहाँ पे जल्दी आँख खुल जाती है अपना, हानि होती है। इधर देखो, बढ़िया बढ़िया। तो अब चलते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनेगा। मेले में घूमेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज, देखते हैं। उसके बाद आज ही चले जाएंगे, नहीं तो हम कल सुबह चले जाएंगे, क्योंकि मेरा कॉलेज भी है, मम्मी का ऑफिस भी है, इसलिए। सो ऐसे ही हम घूमने आए थे, एक दिन के लिए पास में है इसलिए भी। ढोर है वहाँ पे, चल जो दिखा दूँ। यहाँ से ना खेत है हमारे, उस साइड का मौसम देखो, हमारी छत नीचे घर उधर का मौसम देखो। ये मेरी सिस्टर की लड़की है जो अभी हुई है, सो बच्चा बच्चा लग गया है। ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है? ये तो व्लॉग बेटा देखा, नसाड़ी नंबर 1, नसाड़ी नंबर 2, नसाड़ी नंबर 3, अरे अब कैसे हार है मेरे, क्या मौका बड़ी जल्दी रहन दो मम्मी, चीटर है तुम तो वैसे भी। एक ही बार आ रहे उसके लिए कुछ नहीं, एक बार हम हार गए तो हो गए। फिर मम्मी को अपने सूट सिलवाने थे, सो हम आ गए टेलर के पास अपना सूट देने के लिए। अपने गांव में हर किसी के घर में घूमा है, अरे उसके घर की बना रिश्तेदारों से मिल के आई है गांव में, मुझे ले जाके यही काम करवाती है। कह रही मम्मी वहाँ तुमने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, अरे प्राइवेसी थोड़ी चाहिए होती है मम्मी। अब हम जाएंगे मेले में, कानों की मैंने सुबह से पहन रखी। भाभी जी ने बना दी चाय, अंधेरा सारा वैसे भी। भाभी थोड़ी डालना, मैं ले चाय। ये निकल के ना रहे चलने को, चलिए मेले में चलने को तैयार है। देखिए वाला, यू मेरे को लग रहा है बस एक यही लग रहा है कि अच्छा सा। देखो डेकोरेशन अच्छा, मेरा सारे झूले वैसा। और फिर हमने सारे मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया, चाय पीर का मेला लगता ही है और उनका ही हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। Thank you.
समाधि है, झार पीर की समाधि है, झार पीर जी महाराज जी की। उसके बाद हमने पेट पूजा करी क्योंकि झूले से पहले अपना कुछ खा पी लेना चाहिए। सामने बहुत सारी चीजें खाई। मोमोज के बारे में पकड़ो, तुम खा ले। क्यों आपने खाली खा ले? कैसा मोमोज खा ले? खा के तो देंगे। लोंडिया पार्ट देख रही हो और फिर हम चल दिए झूला झूलने के लिए, जो कि हम बच्चों की तरह इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलो कुछ और ही मजा आ रहा है इधर। मैं तो ही बना सके ऐसे बना यूट्यूब पे ऐसे नहीं ऐसे इतना तो दिख ही ना रहा, काला ही काला दिख रहा है ज्यादा तो। काफ़ी सारी मस्ती के बाद घर आए, अपना दूध दूध पिया और यहाँ पे वार्तालाप हो रही है सबकी बैठ कर। सुनाई दे मिलते हैं मॉर्निंग में, मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग विद हल्की बहुत बारिश, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की, तो बारिश हो रही है। देखो मम्मी काम कर रही हैं, उधर भी मम्मी काम कर रही हैं, व्यू भी बढ़िया है यहाँ से। अब तैयार होंगे और फिर घर चलेंगे क्योंकि मम्मी की भी तारीख है। और बस यही था, एक दिन के लिए ऐसे घूमने के लिए आए थे, मज़े में। तैयारी कर रही है हमारे साथ चलने के लिए। हमारी गैल चलोगी ना? नानी के एक कमरे से देखो बढ़िया फ्रेम आ रहा है, ऐसे सही है, लाइटिंग भी अच्छी है, लाइटिंग भी अच्छी है। अब हम निकलेंगे घर के लिए, पीछे से मम्मी भी दिख रही है। कल का मेला हमारा इतना अच्छा नहीं गया जितना पिछली बार का मम्मी का जा रखा है। मम्मी का झूला भी निकल मेले में, सिर्फ मैं ही झूली, मतलब मम्मी झूले थे, मेरे भाई भी झूले थे और बहन भी। नानी अपनी स्किल को आजमाती हूँ और आई मीन दिखाती हूँ, सही सही करना मम्मी। बारिश हो रही है, अब मम्मी सब्जी बना रही है। अभी तो 10:30 बजे मैं पढ़ रहा ना, जावेंगे तो जरूर। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे कैमरा सेट कर दी थी, मम्मी ने अपना नया सूट की फिटिंग करी है, पता नहीं कैसा आएगा।
अब एक अप्सरा का स्वागत किया जाए। टन 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 सही लग रहा है वैसे तो मम्मी। हाँ सो मैं तो रेडी हो गई थी दिल्ली जाने के लिए और यहाँ पे सबकी बातें हो रही थी। मेरी दोनों मामी जी बातें कर रही थी आपस में। बना ले दोनों मामी की बात हो रही है। ये मेरी नानी मेरी आ जाओ। देखो अरसला करवाने वाली है। दोनों मामी बात कर रही है। ये बड़ी वाली है ये छोटी वाली है। आइयो देखो भैया बताओ मेरे भाई वाला चश्मा सूट कर रहा है लग रहा है बट बता देना। बाय अभी बिचारी सो के उठी है। बंदर को देखो कहाँ बैठा। बंदर कहाँ बैठा देखो पीछे। हमारे तो भैया ही ना आ रहे पता ना कहाँ घुस गए। फोन ले लो उसका जाएगा। मतलब अपने घर आ गए हैं और नानी भी आई है हमारे साथ। भाई कितना अच्छा लग रहा है वैसे ही कैमरा है नानी कुछ कुछ। अब चलते हैं। जो अपने घर में आके है वो कहीं नहीं है। थक गए बहुत गंदी तरीके से। अब मैं चेंज कर लेती हूँ चाय बना लेते हैं चाय पीते हैं। अरे यार एंड देन फिर देखते हैं क्या करेंगे। थक गई लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई और थकी जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये दो दिन से पूरा ब्लॉग चल रहा है तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड देखो कहीं भी बाहर जाओगे तो थक ही जाओगे बट हाँ एक्सप्लोर करना है और मेरे को बड़ा मज़ा आता है घूमने में यार। वो अलग बात है मेरे घर वाले घुमाते नहीं। हाँ सो मुझे घूमने में बड़ा मज़ा आता है इसलिए मैं तो मम्मी बोलती हूँ कहीं भी जाओ एक दिन के लिए दो दिन के लिए चलो भाई मुझे घुमाओ मेरे को घूमना है। वैसे भी देखते हैं ट्रिप बनते हैं प्लान बनते हैं या नहीं बनते। तो मेरी मम्मी ऐसे घूमने भी नहीं जाते। हमारे घर वाले में सारे बिजी इंसान हैं है ना सारे काम करने वाले जिनको घूमने से कोई लेना देना नहीं है। इकलौती मैं ही अपने घर में पैदा हुई हूँ जिसको घूमने में मजा आता है। बाकी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है घूमने का। मैंने पापा को बोला हरिद्वार भी चलते हैं बट कोई पापा की छुट्टी नहीं है। देखते हैं कहीं घूमने जाएंगे। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया मुझे मेले में। काफ़ी सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि भाई मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को व्लॉग भी बनाना होता है। मेरी मम्मी याद दिलाती है वीडियो तो बना। मैं तो बिल्कुल ही भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ व्लॉग शूट करना है। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी जो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करी एंड बाद में मुझे मम्मी से 10 गाली खानी पड़ी क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई। मम्मी ने बोला वीडियो की नहीं बनाई याद भी नहीं रहा मुझे तूने भी नहीं बनाई। मुझे लगा तूने बना ली होगी बट मेरे अंदर दिमाग नहीं है ना कहीं और जाता जा रहा है पता नहीं क्यों। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं फालतू बकवास ना करते हुए। नानी जी घर पे आ गई हैं हम घर पे आ गए हैं एंड अब देखते हैं अपना जो भी होगा। बाकी यहीं पर एंड करते हैं ब्लॉग को। लाइक शेयर कमेंट कर देना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सून। टाटा बाय बाय।